अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। वी हैव स्टडी थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज डायनेमिक्स, एंड माय टुडेज़ लेक्चर इज अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। न्यूटन्स सेकंड लॉ डील करता है तब जब सिचुएशंस ऐसी हों कि किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स लग रही हो। नेट फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो टोटल सम ऑफ द फोर्सेस होता है किसी भी बॉडी के ऊपर उसे हम नेट फोर्स कहते हैं, प्लस उसकी ग्रेविटी फोर्स होगी या जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं उन सबको मिलाएं तो हमारे पास नेट फोर्स बनती है। इट स्टेट्स दैट व्हेन द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये बात प्रूव होती है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स लगेगी तो वो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी, और वो एक्सेलरेशन उस बॉडी की डायरेक्शन के साथ ही होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी वो नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी, वो उसके नेट फोर्स के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इंक्रीज़ कर रही है तो उसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज़ करेगा, और अगर डिक्रीज़ कर रही है तो मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज़ करेगा। बट अगर मास इंक्रीज़ कर रहा है तो नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करेगा, और अगर मास डिक्रीज़ हो रहा है तो वो दोनों इंक्रीज़ होंगी। डायरेक्ट रिलेशन में दोनों चीज़ों का इक्वल होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक चीज़ बढ़ी है दूसरी चीज़ भी बढ़े, और अगर एक चीज़ काम हो गई तो दूसरी भी काम हो। लेकिन रिवर्स रिलेशन उसके ओपोजिट होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी चीज़ उसके ओपोजिट मतलब लेस होगी, कम होती जाएगी। इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन अ बॉडी और मास एम, वी कैन स्टेट मैथमेटिकली दैट अगर जो फोर्स है वो उस एक्सेलरेशन एफ ए के और मास एम के इक्वल हो तो हम उसको मैथमेटिकली कह सकते हैं कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर एम। दैट इज़ के जो फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो एक्सेलरेशन और मास है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली को हम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको वन ओवर की फॉर्म में लिख देते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक रिजल्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा, वो जो कि होगा ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाय एम। और अगर हमने एफ को सेपरेट करना हो, एम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरे साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट वी गेट, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, जो कि हम बेसिकली नॉर्मल रूटीन में के लेते हैं। यहाँ पे हमने उस साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाया और साथ में एक के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगा दिया। रिजल्ट जो हमारे पास इक्वेशन बनी, जिसे हम कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो होगा एफ इक्वल्स टू के एम ए। बट इन केसेस जो के का यूनिट होता है वो वन होता है, इन ऐसा यूनिट द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी वन। के का के की वैल्यू क्या होगी, वन, तो एफ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एम ए। के की जगह अगर हम वन पुट करें तो एफ इक्वल्स टू एम ए हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा। ये थी हमारी फाइनल इक्वेशन जिसको हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। वो कैसे बनता है, मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो वन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक न्यूटन की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ऐसे हो सकती है, वन न्यूटन वन एन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी या मास वन के जी।
किसी भी बॉडी के अंदर 1 kg मास हो और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो 1 m/s² हो तो उसके ऊपर फोर्स 1 N लग रही होगी। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।